उधर इंडियन पुलिस के फैडैक्स के एक केंद्र के बीती रात हुई गोलीबारी की घटना के 8 लोगों की मौत हो गई तो उपरंत बंदूकधारी व्यक्ति ने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। पुलिस ने जानकारी दी है। पुलिस के बुलारे जिनी कुक ने अज मीडिया को दसिया कि घटना में कई होर लोग जख्मी हो गए जिन्होंने स्थानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घट्टो घट्ट 4 जन हस्पताल में भर्ती करवाया गया जिन्हों एक गंभीर रूप में जख्मी से अज उसकी मौत होने की भी खबर मिली है। फैडैक्स केंद्र में काम करने वाले घटना के चश्मदीद एक व्यक्ति ने दसिया कि गोलियां की आवाज़ आई और उसके बाद उसने एक बंदूकधारी को उत्थे देखा। अमेरिका में अधिकारियों का कहना है कि इंडियन पुलिस में गोलीबारी के कारण शक्की की पछाण हो गई है। हमलावर की पछाण 19 साल ब्रैंडन स्कॉट हॉल वजो हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में एक घर की तलाशी ली जा रही है जो कि हमलावर नाल संबंधित दसया जा रहा है। घर तो कुछ सबूत और एक कंप्यूटर और होर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया भी हासिल किया गया। अमेरिका में पुलिस का कहना है कि फैडैक्स फैसिलिटी के दाखिल होकर गोलीबारी करने वाले व्यक्ति ने ऑफिसर्स के उत्थे पहुंचने तो पहला खुद की जान ले ली। ये फैसिलिटी हवाई अड्डे के करीब स्थित है। बीती रात की गोलीबारी की घटना में 8 लोगों की मौत हुई सी जदों कि अज होर एक होर व्यक्ति को मृतक ऐलान दिया गया। Minneapolis Metropolitan Police Department responded to 8951 Mirabel Road, the FedEx Ground Plainfield Operations Center. We received a call reference shots fired to that location. Preliminary information at this time is that the alleged shooter has taken his own life here at the scene. After a preliminary search of the grounds, inside and out, we have located 8 people at the scene with injuries consistent to gunshot wounds. Those 8 were pronounced deceased here at the scene. We have been made aware of multiple other people with injuries who have been transported to local hospitals or who have transported themselves to local hospitals. For the third time since January, our community woke up to news of senseless crime that will not soon leave our memory. This is unacceptable for Indianapolis. Our IMPD officers went towards danger, as they typically do. And when they arrived on the scene, they found something that really no one should see. We've all been shaken by this heinous act. I will tell you, the one thing that drew me to Indianapolis when I first came here in 93 was for such a big city to have such a small town feel and heart. Our IMPD chaplains have been on the scene since early this morning, providing care and comfort and support to the families of the victims. My heart is broken over the lives of the lost. FedEx is a major employer in this city. If you ask around, there's numerous people, myself included, that have family and friends that work for this great company, and they have built bonds, whether they work there for a short time or a long time. You can only imagine what the victims, the surviving victims, and their coworkers are going through. And we're truly with them. The crime scene remains active. न्यूयॉर्क ते न्यूजर्सी में स्टॉप एशियन हेट रैलियां कढ़िया गई जिन्हां विच हजारां लोगों ने शिरकत की। न्यूयॉर्क में 10,000 तो वध एशियन मूल के अमेरिकी लोग इकट्ठे हुए जिन्हां विच स्थानक अधिकारी नफरती हिंसा के पीड़ितों तो इलावा वख-वख भाईचारे नाल संबंधित लोग भी शामिल सन। प्रदर्शनकारी लोअर मैनहैटन में फैलो स्क्वेयर के इकट्ठे हुए और सिटी हॉल पार्क वाल मार्च किया। मार्च ब्रुकलिन पुल उपर दी हुंदा होया कैडमैन प्लाजा विखे समापत होया। कोलिजन ऑफ एशियन अमेरिकन फॉर सिविल राइट्स के कन्वीनर और एशियन अमेरिकन कम्यूनिटी एम्पावरमेंट के चेयरमैन जॉन चान ने न्यूयॉर्क में एशियनों के विरुद्ध बढ़ रही नफरती अपराधों के बावजूद कोई कार्रवाई न करने लिए सरकार की करड़ी निंदा की। एशियनों के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों से धारी चुप की निंदा करदिया चान ने एशियन मूल के अमेरिकियों अपनी वोटा बनाने वोटा पाने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि असी अपने सन्मान की कोई भीख नहीं मंग रहे, सानू एकजुट होना पवेगा और अपने तौर पर निर्णय लेने पैणगे। उन्होंने आख्या कि बहुत सारे लोग हुंदे नफरती हमलों के कारण घरों तो बाहर निकलन तो डरते हैं।
रैली के प्रबंधकों ने सरकार को बेनती की है कि वह नफरती हमलों की तरजीह के आधार पर जांच पड़ताल करवाए। अटलांटा जॉर्जिया 16 मार्च की गोलीबारी की घटना में जिस विच एशियन मूल के 6 लोग मारे गए सन, तो बाद न्यूयॉर्क 10 तो वध रैलियां हो चुकिया ने। न्यू जर्सी के लोग सिटी हॉल में इकट्ठे हुए जिसनों राज के आगुआ ने संबोधन किया। न्यू जर्सी के अटोर्नी जनरल गुरबीर गरेवाल ने भी रैली की इतिहासिक महत्ता का जिक्र किया। चीन के अर्थचारे में इस साल 31 मार्च को खत्म पहली तिमाही के दौरान 18.3% की रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। शुक्रवार को जारी अंकड़ों के मुताबिक घरेलू और विदेशी मांग में वाधा और बीते साल के हेठले आधार के कारण अर्थचारे में इन्ना वड्डा उछाल देखा गया। राष्ट्रीय संख्याकी ब्यूरो NBS दे वल्लों जारी अंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में चीन का कुल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP 24.93 करोड़ युआन जां 3.8 लाख करोड़ डॉलर ते पहुँच गया। 1993 तो चीन ने GDP अंकड़ों का प्रकाशन शुरू किया सी, उदों तो एक किसी एक तिमाही में सब तो तेज विकास दर है। सरकारी न्यूज एजेंसी शनुआ के मुताबिक दोहरे अंकों की विकास दर नाल बीते साल और इस साल की पहली तिमाही का औसत वाधा 2019 के मुकाबले 5% है। चीन ने पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस से जित हासिल करने का ऐलान किया सी, उस तो बाद मैनुफैक्चरिंग सरगर्मियां वाहन विक्री और उपभोक्ता सरगर्मियां काफ़ी हद तक महामारी तो पहलों के पद्धर से पहुँच गई हैं। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत 2019 के अंत में चीन के वुहान सूबे तो हुई सी, चीन ही इस महामारी तो सब तो पहला उभरिया। ईरान ने यूरेनियम 60% तक सोधना शुरू कर दिता है। यह हुण तक यूरेनियम सोधन की सब तो उच्ची दर है। तो दस दईए पिछले हफ्ते ईरान ने नतांज परमाणु केंद्र उत्ते गड़बड़ी सामने आई सी। ईरान ने इसनों साजिश करार दिता सी। उन्हां गड़बड़ी का दोष इजराइल सिर लगाया सी। ईरान के ताज़ा ऐलान तो बाद इजराइल भी हुण कोई कदम चुक सकता है, क्योंकि लंबे समय तो दोहां मुल्कां दे विचकार तनाव बनिया होया यूरेनियम उच्ची दर उत्ते सोधन बारे ऐलान ईरानी संसद के स्पीकर मुहम्मद बगेर कलीबफ ने किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि वह तेहरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे। स्कॉटलैंड में कोरोना टीकाकरण मुहिम जारी है। इस मुहिम के अधीन स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई है। ग्लासगो में SSE हाइड्रो विखे टीका लगवाने तो बाद निकोला स्टर्जन टीके की घट्टो घट एक खुराक प्राप्त करने 2.5 मिलियन तो वध स्कॉटिश लोगों विचों एक बन गई है। अपनी पहली खुराक प्राप्त करने तो बाद भावुक हुंदिया स्टर्जन ने NHS स्टाफ का धन्यवाद किया। इस टीकाकरण प्रक्रिया दौरान स्टर्जन को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खुराक दी गई और स्टर्जन ने कहा यह टीके के प्रति धारनावां दे बचाव नूं मजबूत करेगा, जिस विच खून दे जम्मण दीआं कुछ घटनावां चिंता दा कारण बनियां होईआं ने। इस तों इलावा उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह दर्द मुक्त सी। स्टर्जन ने वायरस नूं हराउण लई होर लोकां नूं भी बिना किसी डर दे टीका लगवाउण दी अपील कीती। I feel fine. It was completely pain-free, didn't feel a thing. It's quite emotional getting the vaccine, because everybody's been through so much and this is what offers us so much hope. The vaccinators and the teams in there and in centres across the country are heroes. They are doing such an amazing job, and I just can't find the words to thank them, because this is what is offering us the hope back to normality. So, you know, if you haven't had your vaccine yet, as soon as you get the appointment, make sure you turn up, because it is really, really important. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,70,000 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੰਸ ਸਰਵਰ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ UK ਨੇਤਾ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹੋਲੀਰੂਡ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, NHS ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ UK ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ ਅਤੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1,70,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਜੌਬ ਫਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਕਾਟ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ
ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਕੇ 4.3% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧੇਰੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ। ਟੂਡੋ ਨੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਰੋਲ ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਓਨਟੇਰੀਓ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ 18,000 ਕੇਸ। ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ BC ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ। ਕੇਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ 1,70,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਸਰਵਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ।